नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस ट्रैकर। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो रिलीज हो गई है। कई हफ्तों के इंतजार के बाद बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज हुई है तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया है। अमेजन प्राइम वीडियो पर 200 देशों में 15 भाषाओं के सब टाइटल्स के साथ ये पहली बड़ी फिल्म है जिसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। ये कहानी है फातिमा महल की मालकिन के पति मिर्जा, जिसका रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है, और उसके एक जिद्दी किराएदार बांके रस्तोगी यानी आयुष्मान खुराना की, जिनके बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़े में कई और लोग अपना फायदा लूटने पहुंच जाते हैं। मिर्जा और बांके की कहानी को निर्देशक सुजीत सरकार ने एक बेहद अनोखे अंदाज में पेश किया है। फिल्म गुलाबो सिताबो में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के अलावा विजय राज, ब्रजेंद्र काला, फर्रुख जफर, सृष्टि श्रीवास्तव प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म गुलाबो सिताबो को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 3.5 स्टार दिए हैं। उन्होंने फिल्म के बारे में लिखा है, वंडरफुल। तरण के मुताबिक सुजीत सरकार ने इस बार सही ट्रैक पकड़ा है। कमाल की राइटिंग और ह्यूमर है उनकी, ये USP है। ये फिल्म वर्थ वॉचिंग है। हालांकि कमाल रशीद खान यानी KRK के लिए ये एक और ऐसी फिल्म है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई है। KRK ने अपने ट्वीट में लिखा है, गुलाबो सिताबो देखने के बाद मैं बस डायरेक्टर साहब सुजीत सरकार से पूछना चाहता हूं कि सर जी क्या करना चाह रहे थे आप? मंशा क्या थी? देखने वालों की रूह निकालना चाहते थे क्या सर? खैर, इस फिल्म को थिएटर्स पर रिलीज ना करने के लिए शुक्रिया। KRK के इस कमेंट पर गुलाबो सिताबो के डायरेक्टर सुजीत सरकार का रिएक्शन भी आया है। सुजीत सरकार ने KRK का रिव्यू पढ़ने के बाद जवाब में लिखा, सर आप मेरी हर फिल्म को इतना प्यार देते हैं कि मैं आपका मैसेज पढ़कर गदगद हो जाता हूं। गुलाबो सिताबो फिल्म देखने के लिए शुक्रिया। अगली फिल्म में फिर से मिलेंगे यहीं पर। बहरहाल, फिल्म गुलाबो सिताबो को लंबे इंतजार के बाद देखना फैंस के लिए खुशखबरी है। लोगों ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग की तारीफ की है। हम इस फिल्म को देते हैं 3 स्टार। फ्रेंड्स, आपने भी इस फिल्म को देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को कितने स्टार देते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।